अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों, लाइव सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिडकों के 50 साल कितने सवाल, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि प्रकल्पग्रस्तों का आज काला दिवस आंदोलन चल रहा है। उनकी दलील है कि सिडको ने उनके साथ अन्याय किया। 50 सालों में जो उनका हक था, जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, जो उनका पुनर्वसन होना चाहिए था, वो अभी भी नहीं हुआ है, इसलिए आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स की आप लेक्चरर हैं स्मिता तरे मैडम। मैडम, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी? आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप नई मुंबई की रहवासी हैं। सिडको ने जो 50 सालों में काम किया और जिस तरह से उसके कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि प्रकल्पग्रस्तों को न्याय नहीं मिला, एज ए इंटेलेक्चुअल, एज एक्सपर्ट, आप क्या मानती हैं कि क्या वाकई सिडको ने प्रकल्पग्रस्तों के साथ अन्याय किया और जो आज का आंदोलन है वो सही दिशा में चल रहा है? सबको मैं बताना चाहूँगी कि सिडको ने किया वो गलत हुआ ही है, क्योंकि जो भूमिपुत्र थे, यहाँ के जो रहवासी थे, उनके ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। क्योंकि आज 400 गांव थे जिनका रिडेवलपमेंट होना चाहिए था, उनके बारे में सोचना चाहिए था, उनको रहने की जगह, उनके जो बिजनेस है वो कहाँ पे होंगे, कैसे सेटल होंगे, उनका मार्केटिंग कैसे होगा, मार्केटिंग प्लेस कहाँ पे होगा, उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए उनके बिजनेसमैन के लिए, उनके बिजनेस के लिए या फिर उनके रेसिडेंशियल एरियाज के लिए। तो यहाँ पर वो सिडको ने उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है। तो हालांकि हम देखें तो यहाँ से उनको हटाया गया है, और यहाँ पर आज जो लोग रह रहे हैं वो 60% हम लोग देखेंगे तो बाहर से आए होंगे। तो इसका मतलब है कि आपने ये सोचा है कि हमारे यहाँ जो 60% बाहर से जो यहाँ पे रेसिडेंशियल के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए हम ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन, ज्यादा फैसिलिटीज हम कैसे प्रोवाइड करें? लेकिन जो यहाँ पे जो भूमिपुत्र है, यहाँ का जो रहवासी है, उसके बारे में क्या, उसके बारे में आपने प्लानिंग क्यों नहीं की? उसके बारे में प्लानिंग होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि आज जो आंदोलन हो रहा है वो सही दिशा में है, क्योंकि ये काला दिवस होना चाहिए था और इसके लिए उन्होंने पहले से ही आंदोलन उठाना चाहिए था। सिडको के लिए बहुत देर नहीं हुई है, आज भी हम लड़ सकते हैं अपने हक के लिए। आज भी हमारे लिए बहुत सारी जमीन बची है जहां पर इनका पुनर्वसन हो सकता है, उनके बिजनेसेस के लिए, उनके व्यवसाय के लिए उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम उनको सहकार्य दे सकते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक जो रेसिडेंसी यहाँ पर बाहर से आए उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ से कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हुई है। मुझे लगता है जो बाहर से आए हैं उनको, उनके ऊपर भी सिडको का अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर भी अन्याय हुआ है, क्योंकि उनको भी बोला गया था आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, पार्किंग सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो सुविधाएं उनको भी नहीं मिल रही है। अगर वो प्रॉपरली अपना एग्रीमेंट देखे और उस एग्रीमेंट से पढ़ने के लिए वो जाए एक एक स्टेटमेंट, तो वहां पे उनको पता चलेगा कि वहां पर उनको क्या बोला गया था और क्या मिला है और उनके हाथ से क्या चला गया है। अगर सपोर्टिवली सब ये काम करेंगे तो हम सिडको को यहाँ से हटा सकते हैं और अच्छा कार्य हम अपने समाज के लिए और अपने लिए कर सकते हैं। और इसके लिए मैं इनके साथ हूँ और इनके सपोर्ट देने के लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ, और आपके साथ सब जनता को निवेदन करूंगी कि आप भी सपोर्ट करें कि सिडको का जो ये काम है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाए और हम आज जो पुनर्वसन करना चाहते हैं या बिजनेस या मार्केटिंग के लिए जो भूमिपुत्र हैं उनको जो सपोर्ट करना चाहिए वो सबने करना चाहिए। मेरा जो पिछला सेशन गया है उसमें प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत साहब थे हमारे साथ, उन्होंने कहा, और हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल भी थे, उन्होंने कहा कि जो सिडको का मकसद था कि यहाँ पर शहर बसाना है और स्थानीय लोगों को रोजगार और उनके आवास की उत्तम व्यवस्था करनी है, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। आज जो उन्होंने खुद का अपना घर पुश्तैनी जमीनों पर बनाया, उनके बाप दादों के जमीन पे जो घर बनाया, उसे भी सिडको अवैध मानती है, इलीगल मानती है और उनको तोड़ने की कार्रवाई करती है। आपको लगता है कि क्या वाकई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है सिडको, और प्रकल्पग्रस्तों जिनकी जमीन पर यह पूरी सिटी डेवलप की गई उनके साथ बड़ा अन्याय कर रही है? सिडको ने अन्याय सबके साथ किया है, लेकिन कभी ये सामने आया नहीं या किसी ने बोला नहीं और किसी ने कभी उसके बारे में आवाज उठाई नहीं कि सिडको क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, फिर वो यहाँ के भूमिपुत्र हो या फिर बाहर से आए हुए रेसिडेंशियल। लेकिन आज यहाँ का जो भूमिपुत्र है, जो प्रॉपर पहले का रहवासी है, वो आज जागरूक हो गया है, उसे पता चला है कि मुझके ऊपर क्या अन्याय हुए और मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर ये अन्याय सिडको कर रही है कि उनको वो जगह उनके नाम पे नहीं हो रही है, वो सात बारे उनके नाम पे नहीं हो रहे, तो मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है और उसके लिए उनको उनकी जमीन मिलनी चाहिए। अगर वहां पे जमीन नहीं है, वहां पे रीडेवलपमेंट हो चुका है, तो उनको दूसरी जगह पे उनका पुनर्वसन होना चाहिए और उनका जो हक है
क्योंकि इतने सालों से वो यहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ से उनकी 3-4 पीढ़ियां हम देखें तो 10-100 सालों से यहाँ पे उनकी पीढ़ियां गई है, तो उसके लिए उनका पुनर्वसन होना, उनका उनका हक अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। मैडम, मैं आपसे एक निष्पक्ष जवाब चाहता हूँ कि जो हमारे पैनलिस्ट, उन्होंने एक बात कही कि जो पुराने प्रकल्पग्रस्त नेता रहे दीवा पाटिल साहब को छोड़कर, उन्होंने प्रकल्पग्रस्तों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। उन्होंने न्याय दिलाने में अपनी मदद नहीं, इनके प्रकल्पग्रस्तों की मदद की, उन्होंने अपनी झोलियां भरी हैं सिटको के जरिए, लेकिन रियल मायने में प्रकल्पग्रस्तों को न्याय उन्होंने नहीं दिलाया, उनकी सौदेबाजी की है उनके अधिकारों की। आपको नहीं लगता कि अभी जो जो जितने भी लोग बड़े अभी प्रकल्पग्रस्त नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ? कहीं ना कहीं ये हुआ है, जो नेतृत्व यहाँ के स्थानिक लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के भूमिपुत्र को मिलना चाहिए, वो प्रॉपर गाइडलाइन, वो प्रॉपर नेतृत्व उनको मिला नहीं कि अपना हक, अपनी जमीन, अपना बिजनेस हम कैसे बचा के रखें और उसके लिए हम कैसे लड़े, जो हमारे हाथ से जा रहा है वो कम है, कैसे हम बचाए। उसके बजाय उन्होंने ये गाइडलाइन दी, मुझे मिल रहा है आपका कुछ भी हो, सीधी बात बोलूंगी, मुझे मिल रहा है आपका कुछ भी हो। तो यहाँ पर उन्होंने ये टेंडेंसी कही कि मैं अगर बड़ा हो जाऊंगा तो ये छोटे वाले दबे रहेंगे, जो हमेशा मेरी बातें सुनेंगे, मेरे आगे जाएंगे नहीं। तो इनको दबाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, जिससे मैं पावरफुल बनूंगा इस एरिया में, जो पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए। और यही टेंडेंसी लेके वो चलते आए और हमारे जो स्थानिक हैं, हमारे जो भूमि पुत्र हैं, वो दबते गए और इतने सालों के बाद आज उनके ध्यान में आया कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है और वो आवाज उठा रहे हैं। आज नेतृत्व उनको सही मिलना बहुत जरूरी है और इसके लिए सब लोगों ने उनको साथ देना जरूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद टीचर हैं, आपको नहीं लगता कि जो प्रकल्पग्रस्त हैं उन्हें अपने कानूनों के, अपने अधिकार के बारे में सीखना चाहिए, सिटको के क्या कानून है, उसके लैंड्स के राइट्स क्या है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए और इसी अज्ञानता का फायदा शायद बड़े नेताओं ने उठाया है और अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है? कभी भी ज्ञान जो है वो मुफ्त में मिलता नहीं है, वो हमें लेना पड़ता है। कहीं पे हम अगर कम नॉलेजेबल है, हमें वो ज्ञान नहीं है, तो हमें किसी से वो लेना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो हमारे पैनल में भी आ चुके हैं या आगे आएंगे, तो ऐसे लोगों से उन्हें सलाह मशवरा करना चाहिए कि हमें यहाँ से कौन सा रास्ता ऐसा है जिससे हमें हक मिले, हमारे अधिकार मिले और हमारे जमीन या हमारा पुनर्वसन जो है, या फिर हमारे बिजनेस या हमारी मार्केटिंग टेंडेंसी है, वो फिर से स्टार्ट हो जाए और हमारा जो डेवलपमेंट, सेटलमेंट जो है और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत प्रॉपरली चले। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे इस लाइव सेशन में हिस्सा लिया। ये थी स्मृति तरे मैडम, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं आज भी फिर से अभी जागरूकता की जरूरत है। जो युवा पीढ़ी है, युवा प्रकल्पग्रस्त हैं, अगर वो नहीं सजग होंगे, सतर्क नहीं होंगे अपने अधिकारों को लेकर, अपने नेताओं के प्रति, अच्छे नेतृत्व के प्रति, तो अभी भी उनको न्याय मिलने में देरी हो सकती है। मैं दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, एडवोकेट चंद्रकांत निकम साहब, आप मुंबई हाई कोर्ट में वकील हैं, कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं आपसे ही जानने की सर स्वागत करते हुए आपकी कोशिश करता हूं कि क्या वाकई सिटको ने जो कानून बनाए, जो प्रावधान तैयार किए कि प्रकल्पग्रस्तों को कैसे सेटल किया जाए, कैसे उनका पुनर्वसन किया जाए, कैसे उन्हें नुकसान भरपाई दी जाए, उन कानूनों का खुद सिटको ने गला घोट दिया और आज प्रकल्पग्रस्त सड़क पर उतर गए? धन्यवाद। सिटको का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो सस्टेनेबल एस्टैब्लिशमेंट था, मतलब जो इधर के पुराने जो भी हमारे गांव वाले हैं या जो भी हम उसके धरनी के बच्चे हैं, उनको उनकी आने वाली और पीढ़ी का सस्टेन करना ये मेन सिडको का कार्य था। यस। और उसका डेवलप करते करते बाकी लोगों के लिए उसमें से समाविष्ट करना, ये एक्चुअली सिडको का एम था। यस। ये सिडको ने अपना एम छोड़ दिया। और जैसे आपने वर्ड बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी, सेम वही डायग्राम में बैठ के उन्होंने अपना इंटर कर दिया। आज करोड़ों रुपए, आपने लास्ट ईयर एक न्यूज में पढ़ा था कि 1600 रुपए का कर थाली, मतलब ऐसा पैसा उन्होंने अनाचनात पे खर्चा किया, लेकिन भूमि पुत्र के लिए उनके लिए जगह एक छोटा सा ग्राउंड नहीं बना के दे रहे, ना उनका प्ले का ग्राउंड है, ना गार्डन्स है, ना उनका कॉमन जो अम्यूनिटीज होना चाहिए। सी गांव है, अभी आज कोई गांव में जाते तो अच्छा खासा जगह होता है और वही जगह इधर था। बिल्कुल। वो सब जगह उन्होंने खा लिया, बिल्डर्स को बेच दिया, अरबों कमा लिया,
दलाल लोग बीच में घुस गए और सिडको के जो मेन भूमिपत्र है उनको आज रोड पे ला के रखड़ दिया और उनकी आंख से आज पानी गिर रहा है कि मैं क्या था और मैं अभी जीव कैसा, खाने के लिए ना, पीने के लिए ना कुछ, बैठने के लिए उनके पास जगह नहीं है और एक रूम भी मैं एक्स्ट्रा बनाते तो सिडको वाले एनएमसी वाले तोड़ के जाते हैं। यस यस, एक बात एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक दौर था जब 2 से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन सिडको ने किसानों की ली, उन किसानों की जमीन ली जो उनकी रोजी रोटी थी, जिस जमीन पर उनका अनाज उगता था और वो अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन उनकी जमीनें जबरदस्ती अधिग्रहण कर गई, राज्य सरकार ने आदेश निकाले, रातों रात जमीनें उनके नाम से हट गई। आज उन्हीं जमीनों को 3.25 लाख रुपए पर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है, ये लूट नहीं है? बराबर, आपने वर्ड लूट की भी छोड़ो, ये बोलते है कि मरे हुए मुर्दे का भी जो निकालते हैं, वो ऐसे उन्होंने सिडको ने किया है कि सिडको का डेवलपमेंट था, ठीक है तुमको डेवलपमेंट के लिए दिया, कोई भी चीज डेवलप करते हैं तो उधर के जो बेस है उसको तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आज भी वो गांव का स्वरूप उन्होंने इतना छोटा 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 करके रखा है कि वो गांव वाले का परिवार तो बढ़ेगा, आज मेरे ही है, मेरे कल 2 बच्चे होंगे, उसके 2-4 बच्चे होंगे, क्या करेंगे वो? आज आपने गांव का काट काट का है, उतना सा छोटा गांव बना दिया, एरिया ही नहीं बचा उनके लिए। पैसा तो मैं जो बोल रहा ना 3, 5, 10, 25, वो तो पैसे का तो मूल्य मापन ही नहीं है। आज बिल्डर्स एक 1 BHK फ्लैट इधर 70 से 80 लाख रुपए में बेचता है और वही गांव वाला का एक रूम उन्होंने 10,000 भी नहीं, 2,000 भी नहीं, 1,000-1,000 रुपए में ले लिया उनकी जमीन। अभी देखो इधर के जो भूमिपुत्र है वो नौकरी करते हैं तो ठीक है, लेकिन उनका लाइफ टाइम अनाज जो भी है उनका इनकम सोर्स था, वो पढ़े नहीं पढ़े तो भी इनकम सोर्स था, आज उनके पास इनकम क्या है? कुछ भी नहीं है। आज उनको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, उनके पास कुछ वो भी जो भी छोटा मोटा दिया पैसा वो टाइम लोगों ने उनके ऊपर इनकम टैक्स ये टैक्स वो टैक्स करके वो और लॉयर और बाकी लोगों ने बड़े बड़े नेता जो आप लोग बोलते हैं समाज सेवक, ऐसे सब समाज सेवक ने उसका वोट लिया है, सिडको उनके साथ समाविष्ट हो गया और सब चुल मिल के खा के आज रोड पे बैठ गए। लोगों को जो बोलते है ना सिडको हटाओ, क्योंकि जो उनका मेन पर्सन है जिसको जिसने वो भूमिपुत्र बोलते हैं कि उसका ही हक है उधर का, उसको ही अनाथ कर दिया, तो अनाथ का कोई वैल्यू नहीं। मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा था कि अब आवाज उठने लगी है कि सिडको हटाओ, एक दौर वो था जब हमारे देश के नागरिक कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब ऐसी बात कही जा रही है कि सिडको नोइंबई छोड़ो, क्या लगता है वाकई अब सिडको को नोइंबई से चले जाना चाहिए? सर देखिए कोई भी हो एक टेम्पररी डेवलपमेंट होती है, बिल्डर होता है 2 साल के लिए, ग्राम पंचायत होती है बाद में महानगर पालिका बनाते हैं, हर चीज को आप डेवलप करते हैं ना, तो इधर क्यों नहीं डेवलप हो रही है? 1991 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी आ गई, उसका इतना 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, अभी आपका काम बचा क्या है? डेवलप हो गई ना आपकी? तो सर, सर मैं आप जानकारी दे रहा हूँ 4,000 करोड़ का बजट है महानगर पालिका का, तो 4,000 करोड़ के बजट महानगर पालिका करते समय आपका इधर काम क्या बचा है? देखो आज आप ट्रांसफर प्रीमियम से अरबों इधर के खाली भूमिपत्र से ही हटा नहीं रहे, हर आदमी से आप छूट रहे हैं कि एक फ्लैट भी रीसेल होता है 10 बार तो 10 बार 1-1 लाख रुपए लेते हैं, पैसे लेते हैं। अरे कौन सी सुविधा 10 बार आप दे रहे हैं? रोड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलप करिए, गार्डन सब इतना तो कर रहे हैं कि सिडको ने कई प्लॉट्स रिजर्व रखा था पर्पज के लिए, वो भी उन्होंने बेच के उसका प्लॉटिंग का नाम चेंज करवा के और हर तरफ से चेंज करके फॉरेस्ट की जगह ही बची नहीं। आज नवी मुंबई डेवलप सिटी बोलने के लिए हम ये होता है, लेकिन साइड से पूरा पहाड़ खोद लिया है, पूरे मतलब ताला बुझा दिया है, गांव वालों का लैंड जो भी था वो भी हड़प करके ले लिया है। तो बोलना ये था कि अभी आपका काम हो चुका है, आपके डेवलपमेंट एक्टिव हो गई है, आप अपने दिल खुश करके आप इधर से हटा दीजिए, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लेगी और जो भी उन्होंने गांव वालों को पुराना जो भी कुछ कौड़ी मोल दिया है आज उनके लिए आपका नया प्रोजेक्ट हो रहा है और कई कई प्रोजेक्ट हो उनके लिए अभी आप आँख खोल के दीजिए। उनका बोलते ना कोई किसी का छीन के ऐसा नहीं लेना है कि ताकि उनका आंख से पानी गिरते, और वो आंख से पानी अभी बंद करवाइए नैना में या और डेवलप जगह, वो जो भी लोगों का पैसा अपने प्रॉपर दिया नहीं है उनको प्रॉपर उनका उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप बिजनेस सेंटर क्रिएट करो, उनकी लाइफ टाइम का एक बंदोबस्त अपने एनवायरमेंट के हिसाब से करवा के देना, आपका ड्यूटीज है, मैं बोलता हूँ इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज यू हैव टू प्रोवाइड। आपने कहा कि अभी सिडको खून के आंसू रुला रही है प्रकल्पग्रस्तों को,
तो क्या इसमें पीएपी लीडर्स जिम्मेदार नहीं है जो अभी इससे पहले गए हैं और अब तो नई अभी नई पीढ़ी आ गई है, नए लोग अभी नेतृत्व कर रहे हैं, कितना जिम्मेदार मानते हैं आपके सिडको प्रशासन के साथ, राज्य सरकार के साथ जो पीएपी लीडर्स हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं खून के आंसू रुलाने वालों में? सी क्या होता है जनरली कि कोई तो लीडर होता है तो उसके पीछे अच्छा जनता होती है और उनको न्याय मिलता है। नवी मुंबई के लिए क्या हुआ है कि लीडर्स तो बहुत सारे हैं, वो देखते हैं कि अपना कैसा फायदा मिल जाता है, उनको एनसीपी या कोई पॉलिटिकल, शिवसेना या बीजेपी कोई पॉलिटिकल अप्रोच होता है वो अपना थैला जो भी है उधर छोड़ के निकल जाते हैं। तो जब भी आप बेसिक लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है वो ही पकड़ के सिडको के पास फाइट करते थे, तो ये लोगों के ऊपर ये अन्याय नहीं होता था। आज मैं मानता हूँ वो रोड पे आ गए, लेकिन आप ये एक एक नेता की देखेंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे, इतनी कार्स है, इतनी मतलब स्टेट्स है और इतना सारा है। मैं मानता हूँ आप कमाओ, कमाने के लिए किसी ने किसी को ऊपर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन जब भी आप आगे जाते तो आपके साथ 10 लोग है, 50 लोग है, उनका क्या है? उनके लिए सिडको ने क्या डेवलपमेंट किया? नहीं किया तो अभी करो, अभी 50 साल, 30 साल, 20 साल और कितने साल लेते जाएंगे, उनके लिए अभी पहला करो, फिर आपकी आप झोली भरो। कोई पॉलिटिकल्स हो या कोई भी हो, पहला आप ये जो भूमिपुत्र है उनके लिए अभी आपका अगला 100 साल मिले, वो भूमिपुत्र उनको खाना पीना, उनका रहना, उनके आने वाली 3 पीढ़ी, इनका सब अभी आप ये जो भी लीडर बोलते हैं ना आप लोग, वो लीडर को बोलो कि अभी 100 लोगों का इनका प्लान दे दो और फिर आगे इलेक्शन हो या सिडको का जो आप बोलते समाज सेवा फिर आगे करिए, लेकिन ये पहला भूमिपुत्रों को लोगों के लिए 100 साल का अभी आप प्लान आउट दे दो। एज ए इंटेलेक्चुअल आपको क्या समाधान लगता है कि अगर ये पॉलिसी हो जाए या इस तरह के निर्णय ले लिए जाए तो प्रकल्पग्रस्तों को 100% न्याय मिल जाएगा? देखिए अभी जो आप सोच रहे, पहले 100 लोग थे, फिर 1,000 हो गए, फिर 1 लाख हो गए, ये देखो ये नेचुरल है, इंक्रीज होने वाले है। अभी आपको उनके इंक्रीज के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको उनको सुविधा देना है, उनका घर हो, उनका खेलने का जगह हो, उनके लिए जो स्कूल है, उनके लिए जो भी एमिनिटीज है वो पहला आप करो 100 लोगों के लिए, मतलब एक एग्जाम्पल लेते 100 लोग है तो उनके हिसाब से उनका अभी से चालू करो ताकि ये 3 पीढ़ी आने वाली उनको बच्चों को मिले। उनका बिजनेस क्या है सर? वो फार्मर्स है, वो मच्छी पालते हैं, वो उनका फार्मर्स के लिए आज आप देखेंगे बेलापुर में रोड के ऊपर वो सुखा बिका सुखाते हैं। yes. क्या सर वो रोड पे सुखाएंगे और आप बर्थडे करोड़पति एसी में बैठ के आप कामकाज चलाएंगे? और जिनका जमीन है उनको रोड पे आप ये सब सुखाने के लिए, मच्छी तो उनका बिजनेस है। तो मेरा कहना है कि अभी उनके 100 साल का देख के उनका जो भी नया प्रोजेक्ट सिडको का डेवलप होएगा जिधर भी होएगा, अभी इधर नवी मुंबई में नहीं है तो नवी मुंबई से पनवेल लेना, बाकी सब जगह अभी एयरपोर्ट हो रहा है, अभी से एयरपोर्ट को बोलो कि आपका एयरपोर्ट में ये जो भी भूमिपुत्र थे पहले से 1970 से जो भी लोगों का जमीन लिया है वो टाइम से उनके लिए 5-5, 6-6, 8-8 उनके लिए मकान दुकान जो भी है अभी आप इस्टेब्लिश करके दे दो ताकि उनके उनके रेवेन्यू से कम उनका पीढ़ी आते रहे और कुछ 4 पैसे मिला के खाते रहे और उनका सस्टेन हो। निगम साहब बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे सवालों का भी जवाब दिया, आपने सिडको के लिए भी अच्छी राह बताई है और प्रकल्पग्रस्त नेताओं के बारे में जो आपने उम्मीद जताई है, हम तो यही सोचते हैं कि प्रकल्पग्रस्तों के नेता वो ईमानदार हो जाएं, अगर वो ईमानदार हो जाएं तो सिडको को झुकना पड़ेगा और उन्हें न्याय देना पड़ेगा, मुश्किल इसी बात की है। हम अगले सेशन में इसी तरह के प्रकल्पग्रस्त नेता से बात करेंगे और जो निकम साहब ने कहा है कि ईमानदारी रखनी पड़ेगी तब जाकर प्रकल्पग्रस्तों को न्याय मिल सकता है, पीएपी को न्याय मिल सकता है, हम उनसे यही सवाल पूछेंगे कि आप कितनी ईमानदारी से इस बार मुद्दा उठा रहे हैं ताकि उन्हें दोबारा सड़क पर ना उतरना पड़े। आप बने रहिए TV1 इंडिया के साथ।